ये भी उसी ओवरबोर्ड जोन में है, थोड़ा सा इसमें रुक सकते हैं आप, तो वेट करिए इसमें। देखिए 3 साल में, यहाँ पे 3 साल में तकरीबन 9 गुना हुआ है ये स्टॉक, 3 साल में 9 गुना हुआ है, 3 4 साल में 9 गुना हुआ है, तो बस अभी बहुत हो गया, मतलब यहाँ से आउट परफॉर्मेंस करना मुश्किल है। ओके, विशाल दिवाकर कोल इंडिया लेके बैठे हुए हैं और 200 शेयर हैं 420 के भाव पर, टारगेट क्या होगा इसका अब? देखिए इसमें इनको पेशेंस रखना पड़ेगा, एनर्जीज वाली चीजों में थोड़ी कमोडिटी बिजनेस होता है तो साइकिल्स रहती हैं, काफी अच्छा चला हुआ है पीछे से भी, हमने भी इसको दिवाली पिक्स में या पहले बहुत बार इसको डिस्कस किया हुआ है एज अ ब्लैक गोल्ड, तब इसके भाव 200 के अंदर हुआ करते थे। देखिए 12 18 महीने प्लस के होराइजन से अब यहाँ इनको इसमें अगर चलना पड़ेगा तो चलें, तो ट्रेड में बने रहें, अन्यथा थॉट वही है कि 6 7 महीनों के बाद यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि पॉसिबली एक रेड बार आ सकता है, तो इसको मंथली क्लोज पे देखेंगे, आज इसमें ट्रेंड का क्लियर व्यू नहीं लेते, फिलहाल अगर चाहें तो बने रहें 414 रुपए के स्टॉप लॉस से, और मंथ एंड पे एक बार दोबारा राय लें, इसका पैटर्न जरा सा बन जाए फिर हम इस पे थोड़ा बेटर कॉल लेते हैं। मंथ एंड मतलब ये अप्रैल में देखेंगे हम लोग, पहले हफ्ते में? हाँ जी, मार्च की एंडिंग हो जाए, मार्च की एंडिंग हो जाए, साल की भी एंडिंग हो जाती है तो बढ़िया क्वार्टर की भी एंडिंग हो जाएगी, चार्ट्स बड़े क्लियर हो जाएंगे वहां पे, क्वार्टरली क्लोजिंग मंथली क्लोजिंग पे चार्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे, और हर चीज के, नॉट ओनली कोल इंडिया, हर चीज के चार्ट्स थोड़े टेक्निकली हमारे लिए क्लियर हो जाएंगे कि पैटर्न्स क्या बन गए क्लोजिंग बेसिस पे, तो वो बहुत बड़ा एक रीडिंग होता है मंथली क्वार्टरली वाला, वो हम लेना चाहेंगे और उसके बाद एक थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा आएगी। अधिराज सिंह चौहान ने राइट्स ले रखे हैं, 250 शेयर्स, 660 का एवरेज प्राइस इनका, क्या करें ये, होल्ड करें या बेच दें? देखिए फ्लेवर वाले स्टॉक्स है, रेलवे की थीम बहुत बढ़िया चली, कंसेंसस सेक्टर है, कंसेंसस थीम है, सबको अच्छा लगता है, ऐसी केसेस में ही थोड़ी सी निराशाएं कई बार आ जाती हैं। मेरी राय तो इनको ये रहेगी कि भाई अगर वही बात बात वही है, 12 18 महीने प्लस के होराइजन है तो खड़े रहें, अन्यथा उछालों में कहीं निकलने की कोशिश करें, प्रॉफिट थोड़ा बुक करें कहीं अगर भाव से ऊपर जाते हैं तो। एक बहुत, अर्पित द्विवेदी जी ने सवाल भेजा, एक्चुअली इन्होंने चार भेज दिया, अर्पित जी मैं सिर्फ दो लूँगा आपके, एक एक आदमी चार लेंगे तो फिर बहुत कम लोगों को ले पाएंगे, दो आपके ले लेते हैं। SBI कार्ड 1358 पे ख़रीदा है, विनती ऑर्गेनिक्स 1720 पे ख़रीदा है, बताइए सरवेन जी। देखिए सबसे पहले तो SBI कार्ड में ये है कि भाई इनको एक सिल्वर लाइनिंग बता दूं कि स्टॉक जो है बहुत ज्यादा 700, 2022 के बाद से कहीं सेकेंड हाफ से, इनफैक्ट फर्स्ट हाफ से बहुत ज्यादा 700 के नीचे जाके बंद नहीं हुआ है, और इनफैक्ट मंथली चार्ट देखता हूं तो कोई बहुत ज्यादा विशेष उसके बहुत ज्यादा नीचे क्लोजिंग बेसिस पे नहीं गया है, और उन एरियाज के आसपास 700 के आसपास हमेशा इसमें बाइंग आ रही है, अब क्यों आ रही है कैसे आ रही है बट बाइंग आ रही है। मेरा तो थॉट है कि अपने ओवरऑल 2.5 3 साल के सेटअप में लिस्ट रिस्क एरिया पे है, ट्रेड में बने रहे, ऊपर के भाव का है तो एवरेज करना चाहे तो एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन नई जो पोजीशन लेंगे, हमेशा मैं बोलता हूं अगर सेकंड राउंड ऑफ एवरेजिंग कर रहे हैं, जो आप नई पोजीशन लेंगे 700 के आसपास, उस पर आप 650 के नीचे एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे तभी आप एवरेज करेंगे, अन्यथा आप खाली होल्ड करिए और 12 18 महीने का टाइम दीजिए, पैटर्न थोड़े क्लियर होंगे, अगर ये पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ तो बहुत अच्छे टारगेट्स ऊपर के आएंगे ऐसा मेरा मानना है, बनस्पति 650 के नीचे नहीं जाए तो बहुत बढ़िया टारगेट्स आएंगे 12 18 महीनों में, सो ट्रेड में बने रहें। सरवन जी, 2020 में भी ये 724 रुपए का था और आज जी जी भी जी ये जी उसी भाव पर है IPO के। तो 4 साल के लोएस्ट रिस्क एरिया में है ये, मैं यही बोला कि 3 4 साल के, 2 साल के लोएस्ट रिस्क एरिया में है, तो यहां से बेचने का तो बनता नहीं है टेक्निकली स्पीकिंग, आप किन्हीं कारणों से और नीचे के लेवल टूट जाए और ऐसे लगे कि नया ट्रेंड चालू हो रहा है नीचे में तो फिर अलग बात होगी, इसीलिए मैंने इनको 650 का स्टॉप लॉस भी बोला, उसके नीचे 649 40 का एक स्टॉप लॉस भी तेरह सौ लगाए अट्ठावन क्लोजिंग बेसिस। पहुंचने में 1358 दिन लगेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल लग सकते हैं, मैंने इसीलिए बोला 12 18 महीने प्लस का लेके चले, 1358 दिन तो नहीं बोलूंगा, अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ तो बहुत फास्ट होगा, 12 18 महीने में इनके पैसे और इनके टारगेट्स या इनके भाव से ऊपर निकल जाएगा, इसीलिए मैं यूजुअली बोलता नहीं हूँ, इसीलिए मैंने इनको बोला एवरेज भी करना चाहे तो कर ले बट नई क्वांटिटी पे स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। अच्छा, विनती ऑर्गेनिक्स विनीति ऑर्गेनिक्स में देखिए यहाँ तो क्लियर कट अंडर परफॉर्मेंस रही है, तो आई थिंक जब तक इसमें रिवर्सल के साइन बड़े नहीं आ जाते तब तक नया ट्रेड तो कोई लेने बनता नहीं है, अब पुराना इनका काफी इनके भाव से नीचे है तो फिलहाल तो मैं इनको यही बोलूंगा इसको भी होल्ड कर लें,
15-20 दिन, और चाहे तो फर्स्ट वीक में एक बार दोबारा राय ले लें। ओंकारनाथ तिवारी का सवाल है, द जेके बैंक 142.30 रुपये पे लिया है, ये भी नीचे आ गया, 130 रुपये के आसपास चल रहा होगा, ये देखिए 131, क्या करें जेके बैंक में? जी देखिए, यहाँ पे आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी भी प्रेशर में है, और वही है जो निफ्टी को भी दबाव में रखा हुआ है, नहीं ब्रेकआउट कर पाया, इतना इस बार भी कोशिश की लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुए। देखिए थॉट तो यही है कि मुझे लग रहा है यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा सिनेरियो, जब आप क्लोजिंग ओनली डेली चार्ट देखते हैं तो आपका एक डबल टॉप जैसा सिनेरियो यहाँ पे बन गया है 145 से 150 के आसपास, और बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि इमीडिएट बेसिस पे आउट परफॉर्म कर पाएगा। सो आई थिंक 3 से 6 महीने में स्टॉक प्रेशर में ही रहेगा, मुझे नीचे में 105-110 के लेवल आते हुए दिखते हैं। अगर उतने ड्रॉडाउन से उनको प्रॉब्लम नहीं है तो बने रहें, अन्यथा एक बार बेचें, नीचे में लेने के लिए मिलेगा।